ये सरकार हक की आवाज उठाने वालों को जो आंख में आंख डालकर उन्हें आईना बताती है, उन लोगों को जेल में डालने का काम कर रही है। हेलो मिस्टर मोदी, हेड़ी देनो माड़ी देनो, हेड़ी दो राम राजा माड़ी दो कल्लर राजा। ये भरी सरकार को हमने चिल्ला चिल्ला कर गुलबर्गा की सरजमीन से हक की आवाज को बुलंद की है। हम बीजेपी हुकूमत से कहते हैं, तुम भले कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन सच अपनी ऊंची आवाज में हर वक्त बोलता रहेगा। भरतवाज को रिहा करना होगा, करना होगा, वरना यहाँ पे धरना होगा, धरना होगा। बीजेपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद। ऐसे दस्तूर को, ऐसे बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। दीप जिसका मोहलत में ही चले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसले हक के पले, ऐसे दस्तूर को, ऐसे बेनूर को हम नहीं मानते, हम नहीं जानते। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। इनकलाब के नारों के साथ यूनाइटेड पीपल फोरम्स गुलबर्गा आज मौलाना अबू कलाम आज़ाद चौक से जगत सर्कल तक एक पीपल्स मार्च निकाले हैं, जिसकी वजह ये भ्रष्ट सरकार, ये मोदी सरकार आए दिन, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो या जर्नलिस्ट हो या पॉलिटिकल प्रिजनर्स हो, जितने भी लोग हक की आवाज़ उठाते हैं, सामाजिक कारकुनान होते हैं, जो कौम के लिए लड़ते हैं, इंसानियत के लिए लड़ते हैं, उन लोगों को जेलों में भरने का काम कर रही है। आज हम रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स के थीम से हमने प्रोटेस्ट निकाला था, हमने आज हमारा एहतजाज दर्ज कराया। ये भरी सरकार को हमने चिल्ला चिल्ला कर गुलबर्गा की सरजमीन से हक की आवाज़ को बुलंद की है, उसकी वजह आप देखते हैं। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली नीपू शर्मा को पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट होते हैं, पर कहीं पर उसे अरेस्ट किया नहीं जाता। उसके सच को सामने लाने वाले को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। वहीं पे आप देखते हैं, अगर कोई बंदा किसी पे केस करता है, अगर वो कोर्ट से बाइज्जत बरी होकर बाहर आता है, तो आपने कहीं नहीं देखा होगा कि केस करने वाले को कहीं जेल पे डाला गया है। वही हाल तिस्सा सतलवाल का हुआ, उनको केस करने की जुर्म में उन्हें जेल में डाला गया है। ये सरकार हक की आवाज़ उठाने वालों को जो आँख में आँख डालकर उन्हें आईना बताती है, उन लोगों को जेल में डालने का काम कर रही है। हया गुलबर्गा की सरजमीन से तमाम नौजवान आज एक अहम एक एजेंडा लेकर निकले हैं कि जब तक उन लोगों को रिहा नहीं किया जाएगा, हम इसी तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे। मैं यहाँ पर आने वाले तमाम मेरे नौजवान साथियों को, तमाम मेरी माँ बहनों को दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और इन्हें सलाम करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जलो वहीं जहाँ ज़रूरत हो, जलो वहीं जहाँ ज़रूरत हो। उजालों में चिरागों की कोई अहमियत नहीं होती। आज अंधेरा है, आज जलना है, आज हमारी आवाज़ को बुलंद करना है, और हम हमारी आखिरी सांस तक इंशाल्लाह हक की आवाज़ को उठाते रहेंगे और इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। इंसानियत के लिए लड़ेंगे, इंसानियत के लिए मरेंगे। शुक्रिया। गुलबर्गा यूनाइटेड पीपल्स फोरम जो आज एक फ्री पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए एक जो पीपल्स मार्च रखा, सबसे पहले आज 5 जुलाई, पिछले साल आज ही के दिन भीमा कोरेगांव फॉल्स केसेस में जो एक्टिविस्ट को, जो पोएट्स को, जो राइटर्स को, जो एकेडमिशियंस को अरेस्ट किया गया था, जो रिलीजियस फिगर फादर स्टैन स्वामी को अरेस्ट किया गया था, आज ही के दिन पिछले साल उनका निधन हो गया। सबसे पहले आज हम फादर स्टैन स्वामी को आज के दिन हम श्रद्धांजलि पेश करते हैं और बीजेपी से ये कहते हैं
कि तुम जब जब हक की आवाज़ दबाने की कोशिश करोगे, सच्चाई उतनी ताकत के साथ उठती रहेगी। हम देख रहे हैं जब से बीजेपी हुकूमत बनी है, जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी है, लगातार सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, ऐसे लोगों को टारगेट कर फॉल्स केसेस में अरेस्ट किया जा रहा है। इन्हें सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट जो एंटी नेशनल पॉलिसीज, एंटी पीपल पॉलिसीज और फेक प्रोपोगंडा और झूठ की बुनियाद पर चल रही है, इस गवर्नमेंट का झूठ जो एक्सपोज कर रहे हैं, ऐसे एक्टिविस्ट और ऐसे जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर रही है। हम बीजेपी हुकूमत से कहते हैं, तुम भले कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन सच अपनी ऊंची आवाज़ में हर वक्त बोलता रहेगा। आज जो मौजूदा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया है, जो एक जर्नलिस्ट जो कि बीजेपी का झूठ और प्रोपोगंडा एक्सपोज करता है, वो जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया है। इसी तरीके से भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद में सुधा भारद्वाज लीजिए, फादर स्टैन स्वामी लीजिए, पोएट वरवर राव लीजिए, या आप डीयू के प्रोफेसर साई बाबा को लीजिए, जो कि 90% पैरालिसिस है। एक 90% पैरालिटिक पेशेंट से ये हुकूमत डरती है तो बड़ी ये डरपूक गवर्नमेंट है। एक 90% पैरालिसिस पेशेंट को जो कैद करके रखती है और उस प्रिजनर को, पॉलिटिकल प्रिजनर के अतराफ CCTV कैमरे लगा के रखती है, ये बड़ी डरपूक गवर्नमेंट है। ये हम बार बार कहते हैं, गवर्नमेंट से यही डिमांड करते हैं, फ्री ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स। भले तुम्हारी विचारधारा कितनी भी रहे, लेकिन हमारी डेमोक्रेसी सबसे ऊंची है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊंचा है। आप जितनी भी कोशिश कर ले, इस मुल्क के नौजवान, इस मुल्क के प्रोग्रेसिव फोर्सेस, इस मुल्क के डेमोक्रेटिक राइट्स एक्टिविस्ट, इस मुल्क के जर्नलिस्ट हर टाइम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहेंगे। आज मैं अपने कुछ बात से अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हेलो मिस्टर मोदी, हेड़ित देनो माड़ित देनो, हेड़ित राम राजा माड़ित कल्लर राजा। हेलो मिस्टर मोदी, हेड़ित देनो माड़ित देनो, माँ हेड़ित राम राजा माड़ित कल्लर राजा। बड़े शर्म के साथ मैं अपने इस नारे के साथ बीजेपी गवर्नमेंट डॉट नॉट, बीजेपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद। आज शहर गुलबर्गा में मौलाना अबू कलाम आज़ाद चौक से यूनाइटेड पीपल्स फोरम की जानिब से एक प्रोटेस्ट रखा गया था। मौलाना अबू कलाम आज़ाद चौक से जगत सर्कल तक ये एक मार्च रखा गया था। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि नुपुर शर्मा, जो कि सरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करती है, गुस्ताखी करने के बाद जब वो वीडियो को ज़ुबैर नामी ऑल्ट न्यूज़ चैनल के एक लड़के ने वो न्यूज़ को सोशल मीडिया पर डालकर लोगों को बताया कि इस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है, तो हुकूमत ये करती है कि नुपुर शर्मा को पकड़ने के बजाय हमारे भाई ज़ुबैर को अरेस्ट कर जेल में बंद करती है, उसके ऊपर झूठे झूठे केसेस डालती है। तो इसी को देखते हुए हम आज सभी लोग भारत के हुकूमत से ये कहना चाहते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल, जितने भी प्रिजनर हैं और जितने भी हमारे न्यूज़ चैनल के, जितने भी हमारे एंकर्स हैं जो बिलावदे जो जेलों में बंद हैं, उन सभी को रिहा करें, हम यही मुतालबा हुकूमत से करते हैं। नानू ये जातिवादी बग्गे ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಣವೀರಪ್ಪ ಸಜ್ಜನು. ನಾನೊಂದು ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ BJP ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸತ್ಯ ಹೇಳೋರನ್ನು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾನು ಖಂಡಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಡೆಮೋ ಮಾತ್ರ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಬರೋ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ, ಜುಬೇರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜುಬೇರ್ ಅವರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಸುಧಾ ಭರದ್ವಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಉಗ್ರರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜಾತಿವಾದಿ ಸರ್ಕಾರ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಾನವರು, ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಾಗಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀವು
ಕಸಿಯೋದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದೂ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರು, ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಆಗ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಬಂದು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಿಖ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವೇನ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ದೇಶ ಉನ್ನತಿ ಬಗ್ಗೆ, ದೇಶ ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ತರಬೇಕು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಮುಂದೆ ಒಯ್ಯಬೇಕೆಂಬ ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೇಸಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ತೊಗೊಂಡುಕೊಂಡು ಒಯ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇಡಬೇಕಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹಿಂದೂ, ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಮು, ನಾವು ಸಿಖ್ಖು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೇಸಿ ನೀವು ಜನರ ಮನಸ್ಸು, ಅವರ ನಿದ್ದೆ, ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಸಂತುಲನ ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೀವು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಮಾತಿಗೆ. ನಾನು ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಉಗ್ರಹೋಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. जब जब सुन करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा को जुड़ेगा इंकलाब के नारों से, शर्म करो शर्म करो शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो लगे तुम कहो, जाम रंजों को मिलने लगे तुम कहो, हमारे सामने बोल रहे ना अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, सबका साथ सबका विकास, 5000 पर ट्रेन भी, जो बातें जो कर रहे हैं, जो सिर्फ हवाई बातें, जो हवाई बलून जो छोड़ रहे हैं, उन पे कहूंगा फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रंजों को मिलने लगे तुम कहो, शाख सीनों की सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को, इस खुले झूठ को, सहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता. हमारे सामने मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, चार मौलाना, चार हर कास्ट के लोगों को लाकर लोगों का सहन खराब कर रहा है. इस खुले झूठ को, सहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता.